अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं उस्मान मोहम्मद ख़ान, मतीन शरीफ साहब, तमाम हमारे डेलीगेशन के साथ साइबराबाद कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं, अविनाश मोहंती साहब से। आज हम कमिश्नर साहब से मिलकर चिलकूर की जो मोइनाबाद की कुतुबशाही मस्जिद है, मस्जिद जागीरदार, उसके ताल्लुक से यहाँ पे पूरा डिस्कस करें। और जैसा कि आवाम में फ़िक्र है कि इसके जो मुजरिम है और जो इस मस्जिद को शहीद करने में इन्वॉल्व है, वो लोग का क्या हुआ, कमिश्नर साहब से पूछे। कमिश्नर साहब हमको दो नाम डिस्क्लोज़ करें। एक किरण कुमार रेड्डी, जो वेंचर कर रहे हैं, जो मस्जिद शहीद होने से पहले एक हफ्ता दो हफ्ते पहले एक हस्बैंड और वाइफ के नाम पे वो ज़मीन थी, जो यूएस में रहते थे, उनसे वो ज़मीन लिए, 7 एकड़ हस्बैंड के नाम पे, 7 एकड़ बीवी और बच्चों के नाम पे कुछ थी, लेकर रजिस्ट्री करवा लिए अपने नाम पे। उसके बाद ये जो प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू हुआ वहाँ पे मस्जिद शहीद करे, तो अविनाश मोहंती साहब का ख़ुद का स्टेटमेंट है कि किरण कुमार रेड्डी और एक एक उनका जो पीए था उस बिल्डर का, उसका नाम है नागराजू, जो ऑब्सकर्ड है अभी, और किरण कुमार रेड्डी का भी फ़ोटो हम आप लोगों के सामने लाएंगे। और हम डिमांड ये करें कि कमिश्नर साहब से कि इमीडिएटली डीसीपी साहब एक प्रेस नोट जारी करें और तमाम तफसीलात आवाम को बताए, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया पे कई लोग अपने ही लोगों पर बोहतान लगा रहे हैं। बोहतान तराशी बहुत बुरी चीज़ है, हम इससे हकीकी जो मुजरिम है उनसे दूर हो जा रहे हैं। और उस्मान मोहम्मद ख़ान, मतीन शरीफ, तमाम लोग जो जज्बा रखते हैं, अल्लाह के अल्लाह का डर रखते हैं, बराबर आएंगे। और ये काम तफसीर इकबाल साहब, जो हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है माइनॉरिटीज़ के, सेम डे पर आकर केसेस बुक करें। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी साहब अपने पर्सनल इंटरेस्ट से डेली रेगुलरली फॉलोअप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये TRS की हुकूमत नहीं है जो मसाजिदों को शहीद करते जाएंगे। यही उस्मान मोहम्मद ख़ान, यही मतीन शरीफ, बराबर अगर कोई ऐसी चीज़ होंगी तो बराबर कांग्रेस के भी दौरे इख्तदार में खड़ेंगे, और कांग्रेस चाहती भी नहीं ऐसा कुछ होना। तो हम तमाम लोगों से यही अपील करेंगे कि बोहतान तराशी बंद करें, और जहाँ जहाँ पर भी मसाजिद है, जैसे ऐसे हिस्टोरिकल मसाजिद है, फ़ौरन ट्विटर पर भी टैग करते जाइए, वक्फ बोर्ड को टैग करिए हर जगह के, ताकि वो नोटेड हो जाए और हम उसको सिक्योर कर सके। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हम संजीदगी से काम कर सकते हैं, जितना ज़िम्मेदारी से काम कर सकते हैं, उतना एक मोबाइल पे सोशल मीडिया चला के, मीडिया चलाकर लोगों को बदनाम करने में नहीं कर सकते हैं। ना आप किसी को बदनाम करिए, ना किसी पे बोहतान तराशी करिए। हकीकी मुजरिम का नाम है किरण कुमार रेड्डी और उसके असिस्टेंट का नाम है नागराजू, और जो JCP थी वो JCP भी सीज हो गई है। इसके आगे वक्फ बोर्ड का जो भी इकदाम रहेगा वो वक्फ बोर्ड और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे तौसीफ इकबाल साहब लोग करेंगे, हम इसको भी फॉलोअप करेंगे। आज तक का अपडेट यही है, हम आपके सामने जो भी हकायक है लेके आ रहे हैं, और कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिप्रेजेंटेशन भी दे दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये तहखून मिला कि DCP साहब प्रेस नोट करेंगे। जो मीडिया वाले बोहतान लगा रहे हैं, डायरेक्ट DCP साहब से मिलिए, प्रैक्टिकली आइए मैदान में, आके हकीकी मालूमात करके लोगों को बोलिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय कांग्रेस।